स्पाइस लैब से निकलने के बाद वी आर ऑन द वे टू कुमारकोम, और कुमारकोम और थेकड़ी के बीच ये चर्च है जिसका नेम है, नहीं नेम ऑफ द चर्च इज पट्टुमला मादा। दिस इज नाइस प्लेस। यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि अगर हम यहाँ पर 5 days कंज्यूम करते तो वो मोर बेटर था। कोई भी अगर केरला आता है तो अगर वो मुनार जाना चाहता है, जाइए 2 days मुनार रहिए और 3 days आकर के कुमारकोम में ये जो होटल है इसके अंदर रहिए। इससे बढ़िया आपको व्यू, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह, स्विमिंग पूल सब कुछ मिलेगा। और सेंट्रलाइज्ड एसी रूम के अंदर देखिए आपको। आज सुबह मैंने चर्च का वीडियो बनाया था एंड आफ्टर दैट अब हम कुमारगांव पहुंचे हैं। वैसे वी हैव टू ऑप्शन, जब हम केरला आते हैं तो ज्यादातर जो हमें पैकेज दिया जाता है वो दिया जाता है मुनार, थेकड़ी एंड अलीपी। बट वी स्किप दैट, हमने वो छोड़ दिया क्योंकि हमारे लिए लाने के लिए थोड़ा सा मुझे सेफ नहीं लगा क्योंकि वो हाउस बोट प्रोवाइड तो कर रहे थे बट वो हाउस बोट जो थी वो हमको 9:00 मॉर्निंग में चेकआउट करनी थी जबकि हमारी जो फ्लाइट थी वो लेट की थी, लेट की आई थी। तो इसीलिए फिर हमने वो स्किप करके रिटर्न हुआ। और इस रिजॉर्ट का नाम है अबाद विस्परिंग फार्म रिजॉर्ट। और पर्सनली मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है इस रिजॉर्ट में आने के बाद, बाकी तो मैं आपको बाद में बता पाऊंगी, इस रिजॉर्ट में आने के बाद आपको लगेगा पर्सनली कि केरला में आपने जो बाकी के डेज स्पेंड किए हैं दैट इज मोर हेक्टिक, बहुत ज्यादा, जिसमें थकावट भी हुई है सब चीजें हुई। कल का हमने बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट नहीं किया क्योंकि सर का फोन और मेरा फोन, दोनों के फोन में मेमोरी एकदम फुल हो गई थी और वो चीज दिक्कत कर रही थी, इसीलिए हमारा डाटा एज सच बहुत ज्यादा कलेक्ट नहीं हुआ। बट वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से कि थेकड़ी में आपको एलिफेंट राइड, एलिफेंट बाथ, एलिफेंट को फूड खिलाने के अलावा एक ऑप्शन मिलेगा पेरियार लेक में बोटिंग करने का, वो फॉरेस्ट में से जाकर होगा। बट आप यहाँ भी बोटिंग करोगे, वहां भी बोटिंग करोगे तो मच बेटर है, हाँ बाहर जाएंगे, मच बेटर है कि आप यहाँ पे बोटिंग करना। बाकी मुनार में आप बाउल बोटिंग जरूर करना। एंड अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि लावण्या को पापा ने वाटर दिखा दिया है ना, बाहर जो व्यू आपको दिखाने की बात हो रही है वो व्यू देख करके लावण्या बहुत एक्साइटेड है और उसको बाहर जाना है। सो वी हैव टू लीव राइट नाउ, अभी मिलते हैं आपको और बाहर का व्यू दिखाते हैं। से बाय, से बाय, से बाय, से बाय। नाउ लुक एट द व्यू, ये वो व्यू है जिसके लिए सर को सरप्राइज में रखा गया था। मैंने एक्चुअली मतलब एग्जैक्ट ये पिक सर को नहीं दिखाई थी बट मैंने कहा था इसी रिजॉर्ट में है बिकॉज आई नो कि सर को वाटर बड़ी जगह पसंद है। आपको करना है, आना है आपको, आना है पक्का, आना है आपको पक्का। आपके लिए उधर है बेबी, बेबीज के लिए उधर है। लावण्या इधर आके क्लैप करो, काम दियो, इधर आके, इधर आके क्लैप करो पापा के पास, इधर आके, इधर आके दिखाओ क्लैप करके, कैसे होते हो आप, आपको आते क्लैप करना। Oh my god, what a pose! Let me check. लावण्या आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? फिश, मम्मा को फिश बना के दिखाओ पहले, फिश कैसे बनाते हैंड पे। ओह रे वाओ, वाओ लिटिल लिटिल फिश है पॉन्ड में, ये तो पॉन्ड है छोटा सा है ना। सनसेट व्यू फ्रॉम द रिजॉर्ट ओनली, ए दिस इज द नेचुरल एंड रियल ब्यूटी। लावण्या आप क्या कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो, कौन डायल करो, जल्दी करो डायल, हाँ इसमें से देखो नंबर, हाँ नंबर देख के डायल करो जरा जल्दी।
डायल करो। ओ माय गॉड, बताओ बेचारी बच्ची। हाँ जी, यस डायल करो। यस, चलो मिल गया। आल। नहीं मिल रहा। कला कला बात करो। इस पे नहीं, इसको लगाते हैं। इस पे इसको बोलो हेलो। हाँ ठीक हो आप? हाँ।